नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर हमारी ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं साढ़े साथी विचार। साढ़े साथी किसे कहते हैं, साढ़े साथी कैसे देखी जाती है, उसका अच्छा फल या बुरा फल क्या होता है, वो सारी बातों का विश्लेषण आज मैं आपको करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये बातों को ध्यान से सुन लेना, कागज पेन हो तो डायरी में लिख लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सारी बातें आपको बार बार काम में आएगी और आप अपने खुद के बारे में भी जान सकते हो और आप किसी और के बारे में भी ये सब बातें जान सकते हो। तो इधर देखिए प्रिय दर्शकों, यहां मैंने 12 राशि के नाम लिखे हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, करक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशि लिखी है। अभी प्रश्न ये उठता है कि साढ़े साथी कैसे पहचानी जाए, तो एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो वृषभ राशि का एक व्यक्ति है, उसे साढ़े साथी कैसे बैठती है, कैसे जानना है। तो जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेगा तो वृषभ राशि को साढ़े साथी बैठ जाएगी। मेष राशि के अंदर शनि 2.5 साल रहेगा, फिर वृषभ राशि के अंदर शनि 2.5 साल रहेगा, मिथुन राशि के अंदर भी शनि 2.5 साल रहेगा। इस प्रकार से मेष, वृषभ और मिथुन तीनों राशि के अंदर जब शनि 2.5 साल रहेगा तो इसे साढ़े साथी कहते हैं। यानी कि वृषभ राशि के पहले वाली राशि, वृषभ राशि के बाद वाली राशि, तीनों राशियों के अंदर से जब शनि भ्रमण करेगा वो भी 2.5 साल, तो उसे साढ़े साथी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं एट प्रेजेंट का। मान लो कि हमने धनु राशि ली, तो धनु राशि को साढ़े साथी बैठेगी वो कैसे जाना जाता है। जब वृश्चिक राशि में शनि 2.5 साल बैठेगा, धनु राशि में शनि 2.5 साल बैठेगा और मकर राशि में शनि 2.5 साल बैठेगा। इस प्रकार से 2.5, 2.5, 2.5, 7.5 साल होंगे तब जाके माना जाएगा कि धनु राशि को साढ़े साथी है। आगे बढ़ते हैं, साढ़े साथी के बारे में और भी ऐसा कहा गया है कि साढ़े साथी का पहला पड़ाव सर पे होता है, साढ़े साथी का दूसरा पड़ाव शरीर पे होता है, साढ़े साथी का तीसरा पड़ाव पांव पे होता है। इस प्रकार से सर पे 2.5 साल, छाती पे 2.5 साल, पांव पे 2.5 साल, 2.5, 2.5, 2.5, 7.5 साल। और इसमें एक महत्व की बात है प्रिय दर्शकों, साढ़े साथी के अंदर चार प्रकार का पाया होता है, सोना का पाया, लोखंड का पाया, चांदी का पाया एवं तांबा का पाया। हमारी स्टडी के मुताबिक हमने देखा है कि सोना का पाया और लोखंड का पाया ये अच्छे नहीं माने गए हैं। सोना का पाया और लोखंड का पाया शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कष्टकारी माना गया है, जबकि चांदी का पाया हो और तांबा का पाया हो तो अच्छा माना गया है। तो अभी मैंने ये भी बता दिया साढ़े साथी कैसे बनती है, उसका शारीरिक दृष्टि से कैसे विभाजन किया गया है और उसके पाए कितने हैं। आगे बढ़ते हैं, साढ़े साथी आपको अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी, उसके लिए ये थोड़ी चीजों का जानना जरूरी है। ध्यान से सुन लेना प्रिय दर्शकों, पहले तो जानना यह जरूरी है कि आपकी कुंडली के अंदर या उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि योग करता है, कारक ग्रह है, राजयोग करता है, या फिर कुंडली का शनि मारक है, बाधक है, घातक है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर शनि राजयोग करता है तो साढ़े साथी में बहुत अच्छा फल देगा, और अगर मारक है तो शनि अति कष्टकारी होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं कि हमें यह देखना है कि शनि का बलाबल कितना है, शनि की अवस्था कौन सी है, शनि बाल्यावस्था में है, कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है या मृत अवस्था में है। अगर मान लो शनि बाल्यावस्था में हो या मृत अवस्था में हो तो वो ज्यादा फल नहीं दे पाता। मान लो एक एग्जाम्पल देता हूं कि कोई कुंडली के अंदर शनि योग कारक ग्रह है और वो युवा अवस्था में है तो वो साढ़े साथी के अंदर अति शुभ फलदायी होगा। लेकिन अगर वही राजयोगकर्ता ग्रह यानी कि वही राजयोगकर्ता शनि मृत अवस्था में है तो वो राजयोग बिल्कुल फल नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई कुंडली के अंदर मारक ग्रह बनता है शनि और वो शनि मृत अवस्था में है तो बिल्कुल खराब फल नहीं देगा।
लेकिन वही मार्ग अगर युवावस्था में है तो अति कष्ट देगा। इस प्रकार से हमें कुंडली के अंदर देखना चाहिए कि शनि का बलाबल कितना है। शनि बाल्यावस्था में है, कुमार अवस्था में है, युवावस्था में है, वृद्ध अवस्था में है या मृत अवस्था में है। तीसरा पॉइंट है कि शनि की युति किस ग्रहों के साथ है। अगर शनि अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है और अच्छे ग्रह कुंडली के राज्योकर्ता ग्रह है और वो ग्रह शनि से ज्यादा बलवान है तो शनि की साढ़े साथी अशुभ फल नहीं देगी। उसी प्रकार अगर शनि कोई अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है और उसका प्रभाव कुंडली में काफी विशेष है, शनि से उनकी डिग्री भी ज्यादा है, तो शनि वहां पे अशुभ फल देगा। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, शनि की स्थिति कैसी है। कुंडली के अंदर शनि उच्च राशि का है, निच राशि का है, शनि स्वग्रही है, शत्रु क्षेत्रीय है या फिर अस्त का है। एक एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको समझ में आए। कोई कुंडली के अंदर शनि राज्योकर्ता ग्रह है और वो ग्रह उच्च का है तो अति शुभ फलदायी होगा। फिर से बोलता हूं, कोई कुंडली के अंदर शनि राज्योकर्ता है और वो उच्च राशि में बैठा हुआ है तो अति शुभ फलदायी होगा। इस साढ़े साथी के अंदर इंसान को हर प्रकार की सुख सुविधाएं देगा, माला माल कर देगा। लेकिन उसकी दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर कुंडली का मारक ग्रह हो और वो मारक ग्रह उच्च का हो तो ये शनि उसे बर्बाद कर देगा। उसी प्रकार दूसरे ढंग से देखते हैं कि कुंडली के अंदर राज्योकर्ता ग्रह निचस्त है, अस्त का है, तो उस साढ़े साथी के अंदर से कुछ भी लाभ न होगा। ठीक उसी प्रकार शनि मारक ग्रह है और वो नीच का है या अस्त का है तो वो कुंडली के अंदर भी शनि उसे बिल्कुल अशुभ फल नहीं देगा। इस प्रकार से अभी हमने जाना कि कुंडली के अंदर देखना आवश्यक है कि शनि योग कारक है, राजयोग कारक है या फिर शनि मारक, बाधक या घातक है, ये देखना आवश्यक है। दूसरे नंबर पर यह देखना आवश्यक है कि शनि का बलाबल कितना है, शनि की अवस्था कौन सी है। तीसरे नंबर पर देखना चाहिए कि शनि कैसे ग्रहों के साथ बैठा है। चौथे नंबर पर देखना चाहिए कि शनि की अवस्था कैसी है, शनि किस स्थिति में है, उच्च का है, नीच का है, स्वग्रही है, शत्रु क्षेत्रीय है, अस्त का है, ये देखना जरूरी है। और एक स्टेप हम जानेंगे जो बहुत ही आवश्यक है। प्रिय मित्रों ध्यान से सुनना, कहा जाता है कि शनि की साढ़े साथी लाइफ में तीन बार बैठती है, एक बचपन में, दूसरी जवानी में, तीसरी बुढ़ापे में। इस प्रकार से शनि की साढ़े साथी लाइफ में तीन बार आती है, बचपन में, जवानी में एवं बुढ़ापे में। जो बचपन में जो साढ़े साथी आती है उसका प्रभाव पढ़ाई पे होता है एवं उसके माता पिता पर होता है। दूसरे साढ़े साथी का प्रभाव उसके कार्य क्षेत्र यानी कि व्यापार, नौकरी पे होता है, आर्थिक स्थिति पे होता है। तीसरी साढ़े साथी जो बुढ़ापे में आती है उसका प्रभाव शारीरिक दृष्टि से होता है यानी कि उनकी स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रभाव होता है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि शनि की साढ़े साथी का कैसा फल मिलता है। तो प्रिय मित्र दर्शकों, कभी भी ये नहीं सोचने का कि शनि की साढ़े साथी आई तो बहुत ही अशुभ फल मिलेगा। आपके आसपास कोई विद्वान ज्ञानी ज्योतिषकार है तो उसे जाके मिलना चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि हमारा शनि कौन सी अवस्था में है, उसका बलाबल कितना है, उच्च का है, नीच का है, राजयोग करता है, मारक है, ये सब देखने के बाद एक निर्णय लेना चाहिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।